के उलमा हजरात उस शैतान उस मलून और अपने अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मैं ये कहना चाहता हूं क्या वजह है कि दो साल कबल भी ये कुत्ता भौंका, आज दोबारा जब इसको बवासीर हुई मुंह की तो ये दोबारा भौंकने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात सारे मुशरिकीन से मुतालहत की कोशिश होती थी तो एक शख्स ने नबी हादिस लायक नहीं है कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ाए तो ये नबी के हलाम हाथ भी थी। रहमान रहीम जमात अहले सुन्नत ने आज इस प्रोटेस्ट की कॉल की थी जिसके अंदर जमात अहले सुन्नत की सारी इकाइयाँ यानी जमात अहले सुन्नत यूथ विंग भी और जमात अहले सुन्नत इंटेलेक्चुअल भी जमात अहले सुन्नत उलमा और जमात अहले सुन्नत लीगल विंग ये सारे सब लोगों की मुश्तरका ये कॉल थी और हम लोगों ने आज यहाँ पर बुलाया था कि आपने सुना होगा अभी मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए और ये बैनुल अक़वामी सतह पर पूरी दुनिया के अंदर यति नरसिंह आनंद एक शख्स है जिसने नबी अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ऐसे नाज़ेबा अल्फाज कहें कि जो इंसान ना कह सकता है ना सुन सकता है और पूरे मुल्क के अंदर ये एहतजाजों का सिलसिला जारी है कि इस तरह के बंदे को जो है उस लाहों के पीछे ढकेल दिया जाए क्योंकि अमन व अमान इसी में है। हमारा सबसे पहले आप देखें कि कोई भी तामीर व तरक्की कब होगी, जब अमन होगा अमान होगा। तामीर व तरक्की अमन अमान की वजह से और एजुकेशन अमन व अमान की वजह से और उसके अलावा हुकूमत और सियादत और क़यादत सब अमन व अमान की वजह से। अमन है तो सारी चीज़ें हैं और अगर बदअमनी मुल्क के अंदर फैल जाए अनारकी आ जाए तो फिर हर चीज़ दबाव बर्बाद होती है और ये बदअमनी कम होती है कि जब दूसरों के जज्बात को ठेस पहुँचाया जाए। तो इस वक्त जिन बच्चों को कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर होना चाहिए था वो यहाँ एहतजाज के अंदर हैं तो कहाँ तरक्की होगी और जिनको अपना काम करना चाहिए था इस वक्त देखिए आप फोर्स यहाँ पर कितनी है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कितनी परेशान है तो ये परेशानी किस वजह से है? सिर्फ एक यति की वजह से। तो इस आदमी को जो है वो फौरन सलाखों के पीछे दायमी तौर पे कर दिया जाए, इसको बाहर ना आने दिया जाए। वरना एक बात मीडिया के जरिए मैं वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया, अब बस, अब आइंदा हम किसी तरह का इस तरह की कोई बात जो है कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि यहाँ पुंछ से भी हमारा लांग मार्च शुरू हो जाए, उधर केरला से भी शुरू हो जाए, हिंदुस्तान की हर जगह से शुरू हो जाए तो फिर हुकूमत के लिए ये परेशानियाँ बन सकती है और हम परेशान नहीं करना चाहते। हम यही एक हमारी जायज़ डिमांड है कि इस तरह का आदमी, और हम सिर्फ यही नहीं कि मुसलमानों के मुकदसात के खिलाफ जो जहर उगले और बकवास करे बल्कि किसी मजहब के खिलाफ भी अगर कोई बकवास करे तो उसके साथ यही सलूक होना चाहिए। तो इस ताल्लुक से हमारी आज ये, और ये भी जहाँ तक नबी पाक इस्लाम की अजमत की बात है तो कुरान और हदीस और मुसलमान तो मानते ही मानते हैं, मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों ने भी कितने गैर मुस्लिम जो बड़े बड़े शोरा हैं या उनके बड़े बड़े जो हकीकी मानों में जो पंडित हैं और जो उनके गुरु हैं उन्होंने भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अजमत के गुण गाए हैं और उनके अशार भी हैं और कितने गैर मुस्लिमों के अशार हैं जिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की नात पढ़ी है और हज़ारों जिब्राइल और जहंगर्द मंजिल में न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का, ये भी है गैर मुस्लिम का, एक हिंदू का शेर है। और इस तरीके से नबी पाक अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से सब लोगों ने खराज अकीदत पेश किया तो अब ऐसा कोई सुवर नबी पाक अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अगर वो भौंकेगा तो साफ जाहिर है उसका फिर रिएक्शन तो होगा ही है। लिहाजा उस आदमी को जो है उस लाखों के पीछे किया जाए और हम ये चाहते हैं कि अमन अमान रहे, भाईचारा रहे, सारी चीज़ें, लेकिन ये उसी सूरत में रहेंगी कि जब हम एक दूसरे को छेड़ेंगे नहीं, मिलजुल करके अपने मुल्क को हमें मजबूत करना है और अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।